वर्टिकल मोशन, ठीक है. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज u cos थीटा, वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा. हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन इज जीरो, वर्टिकल एक्सीलरेशन इज माइनस जी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिड वन डेरिवेशन, दैट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेशन. रिमेंबर, डेरिवेशन आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि आपके ये सिलेबस में है तो इंटरनल एग्जाम्स में आ सकता है, ठीक है. ओके, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हमने किया था. देन फिर हमने रेंज का फॉर्मूला किया था. रेंज का फॉर्मूला कैसे किया था? जो लास्ट कोऑर्डिनेट था आर कॉमा जीरो, इट लाई ऑन ट्रैजेक्टरी. ओके, सो मैंने एक्स की जगह आर रख दिया था, वाई की जगह जीरो रख दिया था. इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, यूजिंग इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हियर, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. सो हमें रेंज का फॉर्मूला मिल गया था, और रेंज के फॉर्मूले में लास्ट में हमने आइडेंटिटी भी यूज किया था, दैट इज साइन टू थीटा. सो यू कैन यूज बोथ द फॉर्मूलेस फॉर रेंज. देन नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर रेंज इज u स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी. देन कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, एंगल शुड बी 45 डिग्री. ओके, देन मैक्सिमम रेंज व्हेन एंगल इज 45 डिग्री, दैट इज u स्क्वायर अपॉन जी. हैव यू सीन दिस प्रीवियस कैलकुलेशन? हैव यू सीन दिस वन? सबने इसको पढ़ा था ना एक बार घर पे, बॉयज एंड गर्ल्स? आपने इसको देखा था ना, रेंज पढ़ा था ना. ओके, जैसी अभी रेंज कंटिन्यू करते हैं. जैसी एनीबडी हैविंग डाउट सो फार? इसमें कोई डाउट है रेंज वाले फॉर्मूले में? जो हमने इक्वेशन ट्रैजेक्टरी डिराइव किया था दैट वन, उसके बाद मैंने रेंज निकाला था. ओके, ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ. सी थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट रिगार्डिंग रेंज, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेंज? आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू फॉर इनिशियल वेलोसिटी, साइन टू थीटा अपॉन जी फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. नो, इट वॉज फाउंड, व्हाट वॉज फाउंड दैट? ओके, जस्ट लेट मी से वन थिंग. जस्ट सी, ओके, लुक हियर, लेट्स से इट्स अ ग्राउंड हियर, इट्स अ ग्राउंड. ओके, इट वॉज फाउंड दैट सेम रेंज इज ऑब्टेन्ड, सेम रेंज इज ऑब्टेन्ड एट टू डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. दो अलग अलग एंगल पे आपको सेम रेंज ऑब्टेन होता है. जैसे सेम रेंज इज ऑब्टेन्ड एट टू डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. दो अलग अलग एंगल पे सेम रेंज ऑब्टेन होता है. इफ वन इज 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 60 डिग्री. तो 30 और 60 पे रेंज सेम होगा. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रेंज सेम होता है. मतलब कहने का मतलब, इफ वन एंगल इज थीटा, देन अदर विल बी 90 माइनस थीटा. सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रेंज क्या होता है? रेंज विल बी सेम. रेंज जो आएगा वो सेम आएगा. जस्ट छोटो, ओके, रेंज विल बी सेम. रेंज सेम आता है. ओके, सो लेट मी प्रूव इट. इज इट क्लियर? इट वॉज फाउंड दैट, जस्ट राइट ऑन, इट वॉज फाउंड दैट, इट इज फाउंड दैट, यू कैन से इट इज फाउंड दैट जस्ट अ मिनट. Hold for 1 minute. अरे चालू है ना से. ओके, नाउ लेट मी स्टार्ट. इट इज फाउंड दैट सेम रेंज, सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, यू कैन से सेम हॉरिजॉन्टल रेंज
is obtained at same horizontal range is obtained at is nahi hoga r hoga r obtained at are obtained at two different angle of projections two different angle of projection which are complementary to each other which are complementary angles means if one angle is theta angle is theta then other will be 90 minus theta copy on this one copy on this one let me prove it done sir other will be 90 minus theta let me prove it main prove karu usko kya see here everyone just see the proof for angle theta just see the proof for angle of projection is equal to theta then range क्या हो जाएगा दैट इज आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी अब हम एंगल चेंज कर देते हैं फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ले लेते हैं फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बॉयज एंड गर्ल्स मेरा आवाज सबको आ रहा है ना यस सर ओके फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नाउ आई विल टेक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दैट इज 90 माइनस थीटा Then in place of theta, put 90 minus theta. Then range will be, let's say r dash. New range is r dash. U square sine 2 in place of theta, you take 90 minus theta upon g. So initially we are taking different at angle theta ranges are at angle 90 minus theta ranges r dash. Now we have to prove that r dash is equal to r. हमें prove करना है कि दोनों r dash और r same होते हैं. ठीक है जैसी आओ ओके जस्ट टेक टू इनसाइड ब्रैकेट सो आर डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 180 डिग्री माइनस टू थीटा अपॉन जी और आपने ट्रिगो का आइडेंटिटी पढ़ा है ना आइडेंटिटी इन ट्रिगो पढ़ा है ना साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा ये पढ़ा हुआ आपने जैसे ये साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा किस क्वाड्रेंट में जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव और 180 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है तो आर डैश हो जाएगा बिकम आर डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी अगेन एंड आर डैश इज इक्वल टू आर हेंस प्रूफ तो हमने प्रूफ कर दिया इज इट क्लियर सो सेम रेंज ऑब्टेंड होता है टू डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एवरीबॉडी गॉट दिस प्रूफ ना Remember, sine 180 degree minus any angle is equal to sine of that angle.
Done, sir. Okay. No. Sir, wait. Done, sir. Okay. Remember, complementary angles brain same hoti. ठीक है, यू कैन से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब अगर मैं छोटे में अगर समझाना चाहूँ तो इट्स लाइक दिस वे. अगर मैं दो एग्जांपल इधर लेता हूँ, लेट्स से अगर दिस एंगल इज थीटा, तो यू कैन से अदर क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, रेंज विल बी सेम. सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ कि दिस एंगल इज 45 डिग्री माइनस थीटा एंड अदर विल बी 45 डिग्री प्लस थीटा, देन आल्सो रेंज विल बी सेम, क्योंकि अगर ऐड करेंगे तो 90 बनेगा ना. सो रिमेंबर, अगर कोई भी दो एंगल ऐड करके उनको 90 बन रहा है तो रिमेंबर रेंज विल बी सेम. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, नाउ द थर्ड डेरिवेशन इज मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एच. मैक्सिमम वर्टिकल हाइट रिमेंबर वर्टिकल हाइट. मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, नो लुक हियर, लेट्स से आई एम टेकिंग हियर, मैं वापस अपने प्रोजेक्टाइल मोशन को लेता हूं. दिस इज ग्राउंड हियर. ओके, नाउ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन लाइक दिस वे. दिस इज मैक्सिमम हाइट एच एंड इट इज थ्रोन सम एंगल थीटा. And you know this is u cos theta. And in the previous lecture we did, this is u sin theta. Okay. Actually, we want to calculate height. So we will treat only the vertical motion. No need to take the horizontal motion. Na, जरूरी नहीं horizontal motion लेने की आदत है. तो height चाहिए ना. तो vertical motion लेंगे हम लोग. So for vertical motion, just see vertical motion. Using sine convention, इसमें sine convention use करना पड़ता है. Sine convention. अच्छा, vertical motion के लिए acceleration क्या होता है? That is minus g. So take a vertical motion, then v. कौन सा formula use करेंगे? एक मिनट रुको, ऐसे नहीं. नहीं. हाँ, vertical motion. V square is equal to u square plus 2as. See, I have told in the previous lecture ki vertical height kam hoti jati hai, highest point pe vertical height kya ho jati hai? Zero. Kyunki ab upar nahi ja sakta na, vertical ki baat kar rahe hain. Ki vertical height kam hoti jati hai aur highest point pe vertical height kya ho jati hai? Zero ho jati hai. There is no vertical, vertical velocity zero ho jati hai. तो वर्टिकल वेलोसिटी जीरो ही है. इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या लेंगे हम लोग? ये यू वाई, दैट इज यू साइन थीटा. यू साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस टू ए की जगह क्या लेंगे? माइनस जी. एंड व्हाट इज द वर्टिकल हाइट एट जी? प्लस एच. हाइट ऊपर जा रहा है. जस्ट सी दिस इक्वेशन, जस्ट पुट आउट है किसी को. फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो. Final vertical velocity is zero. I will take. I am taking vertical motion only. So final vertical. H कैसे लिया वो नहीं समझा. हाँ, H की जगह. Actually we are talking about vertical ना. So at this point when the velocity is zero, what is the vertical displacement? Vertical displacement is H. Because we are dealing only vertical. I have told in the previous lecture कि vertical motion and horizontal motion they are independent of each other. जब हम vertical की बात करेंगे ना, तो उसमें problem नहीं, horizontal disturb नहीं करेगा.
तो ठीक है हॉरिजॉन्टली भी जा रहा है. जस्ट सी वेट वेट लेट मी जस्ट सी यहां दिस सी. इससे पहले हम लोग क्या करते थे, लुक हियर अगेन आई एम रिपीटिंग. ओके इससे पहले हम लोग इस तरह से करते थे. अच्छा व्हाई इट इज कमिंग लाइक दिस. एक सेकंड मैं समझाने की कोशिश करता हूं. लिसन हियर सर. समझा. अच्छा ठीक है एक सेकंड. समझ में आया क्या? पहले इस तरह से था सर. वापस बोलो ना. हां जैसे इस तरह से जीरो हो जाता था फिर वो वापस नीचे आता था अगेन. ऐसे ही होता था ना. अब इसको तुम स्प्रेड कर दो. स्प्रेड कर दो तो इट्स लाइक दिस वे. पहले वेलोसिटी ज्यादा है धीरे धीरे वेलोसिटी कम होता जाता है और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाता है जीरो. इट्स लाइक दिस वे. तो वर्टिकल की बात कर रहे हैं तो वर्टिकल तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हो जाता है. एंड व्हाट इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट? दैट इज एच. वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एच हो जाता है. ठीक है दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग वर्टिकल. वर्टिकल ट्रीट करो ना. ठीक है साइड में क्या डजंट हॉरिजॉन्टल भी जा रहा है लेकिन हॉरिजॉन्टल को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो उसमें? मैंने बोला था कि दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं. दे विल नॉट इंटरफेयर ईच अदर. ओके नाउ सो ये क्या हो जाएगा? जीरो इज इक्वल टेक माइनस ई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. इट बिकम टू जी एच. मेक अ स्क्वायर ऑफ इट. यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. देन हाइट विल बी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी. दिस इज फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट. कॉम्प्रेंड दिस फॉर्मूला. ये सब फॉर्मुलेज हैं. रिमेंबर ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है. दिस इज फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट. जस्ट चेक इट. इनफैक्ट नो नीड टू ड्रॉ. हॉरिजॉन्टल नहीं भी ड्रॉ करोगे चलेगा. इट्स लाइक दिस वे ओनली. सो वर्टिकल कम होता जाता है और हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो हो जाता है. आई एम टॉकिंग अबाउट वर्टिकल. Done, sir. Now, now come to fourth formula. These are the formulas. Okay, just sure. None, sir. Okay, now see the fourth derivation. Fourth one, that is a time of flight. Time of flight means the time for which a projectile remains in air. जितनी देर तक वो air तो है ही नहीं basically. जितनी देर तक वो ग्राउंड से ऊपर रहेगा दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट. इज इट क्लियर? सो द यू कैन से टाइम बिटवीन द प्रोजेक्शन
एंड व्हेन इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड ओके दैट टाइम कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट ओके टाइम ऑफ फ्लाइट इज टाइम बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन time between projection of projectile and when it returns तो जितनी देर तक वो हवा में रहेगा हवा तो मतलब मैंने अभी तो निगलेक्ट किया है यार जितनी देर तक मतलब प्रोजेक्शन से लेके रिटर्निंग के बीच में जो भी टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट इज इट क्लियर ओके नाउ वन थिंग सी हियर हम लोग क्या करते हैं ना पूरे अच्छा दिस इज अ ग्राउंड हियर हम लोग क्या करते हैं ना पूरे टाइम को दो पार्ट में ब्रेक कर देते लेट्स से इट्स अ हियर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे इसको बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट इसको बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट और टोटल टाइम को बोलेंगे दैट इज टी तो टी इज व्हाट टाइम ऑफ एसेंट ऊपर जाने का टाइम एंड टी डी मतलब टाइम ऑफ डिसेंट टाइम ऑफ डिसेंट एंड ऑफ कोर्स टोटल टाइम इज टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट एंड इट इज ऑल्सो नोन टू यू रिमेंबर टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम दोनों क्या होता है सेम होता है ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम सेम होता है ठीक है सो न्यूमेरिकल में कभी समटाइम दे आस्क टाइम ऑफ एसेंट समटाइम्स आस्क टाइम ऑफ डिसेंट कोई बात नहीं है ऊपर जाने जितना ऊपर जाने में अगर 3 सेकंड लगेगा तो नीचे आने में भी 3 सेकंड लगेगा ठीक है ओके नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डेरिवेशन इज time of ascent ऊपर जाने का time ta time of ascent Just a yes. Can I scroll down? Okay. Survey. हम लोग वेलोसिटी को दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा और फिर हमको मालूम है वेलोसिटी कम होती जाती है और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाती है जीरो तो वर्टिकल वेलोसिटी जीरो ही है अगेन टेक द वर्टिकल मोशन वर्टिकल हमेशा वर्टिकल मोशन ले ले रहे हैं क्योंकि वर्टिकल की बात कर रहे हैं ऊपर जाने का टाइम ले लेते हैं लेट्स से टी ए इधर निकालने टाइम निकालने ओनली दिस टाइम टी ए तो वर्टिकल मोशन
तो एक्सलेशन क्या रहेगा, दैट इज माइनस जी. यूज साइन यूजिंग साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन हमेशा डेरिवेशन में यूज करना पड़ेगा, ध्यान रखना. प्रोजेक्टाइल मोशन में यू हैव टू यूज साइन कन्वेंशन. यूजिंग साइन कन्वेंशन v इज इक्वल टू u प्लस at. पुट द वैल्यूज. तो हाईएस्ट पॉइंट पे तो वर्टिकल वेलोसिटी हो जाए जीरो हो जाएगा एट हाईएस्ट पॉइंट. हमें ऊपर जाने का टाइम चाहिए ना फर्स्ट हाफ का, ठीक है. सेकंड हाफ का ठीक है dt रहेगा, लेकिन फर्स्ट हाफ का चाहिए. तो हम फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल क्या हो जाएगा u sin theta, एक्सलेशन क्या लेंगे माइनस जी, और टाइम की जगह रखेंगे टी ए. लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा जी टी ए, माइनस ही इधर आएगा, प्लस हो जाएगा यू साइन थीटा. तो ऊपर जाने का टाइम क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट इज यू साइन थीटा अपॉन जी. दिस इज टाइम ऑफ एसेंट, U sin theta ऊपर जाने का टाइम. तो ऊपर जाने का टाइम इतना होगा तो नीचे आने का टाइम भी इतना ही होगा. तो टोटल टाइम निकालना होगा, डबल कर देंगे ये ऊपर जाने का टाइम. टाइम ऑफ एसेंट निकाल ले, हम लोग हेडिंग लिख लेना टाइम ऑफ, अच्छा ऊपर लिखा हुआ टाइम ऑफ एसेंट यूजिंग साइन कन्वेंशन. मतलब आपके ऊपर है, आप वर्टिकल यूज करना चाहो वर्टिकल यूज कर लो, जैसा रिक्वायरमेंट हो. तो न्यूमेरिकल में भी आपको ऐसे ही डील करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आप हॉरिजॉन्टल भी डील करो वर्टिकल भी डील करो, डिपेंड ऑन द न्यूमेरिकल. आप हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल कर लो, हॉरिजॉन्टल में ज्यादा कुछ होता ही नहीं क्योंकि आपको तो मालूम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज नहीं होता है, वो तो पूरे मोशन में वैसे ही रहता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. सर थोड़ा स्क्रॉल कीजिए ना ऊपर, दो मिनट. Just a minute. Make it equation number 1. Complete kiya aap logne? Yes, sir. टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम ऑफ फ्लाइट, मुझे टोटल टाइम चाहिए. आप कहेंगे जो निकाला उसको डबल कर दो मिल जाएगा, नहीं मिल तो जाएगा, पर थोड़ा डेरिवेशन है आपके बुक्स में तो करवा देते हैं, ठीक है. ओके, कैन यू स्क्रॉल डाउन एवरीथिंग बॉयज एंड गर्ल्स? यस सर. यस सर. नो टाइम ऑफ फ्लाइट. सी टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ये सब डेरिवेशन है बेसिकली आपके बुक में, तो आपको मालूम होना चाहिए बेसिकली. No. Mm-hmm.
ओके इट्स अ ग्राउंड हियर सो वर्टिकल वेलोसिटी क्या है यू साइन थीटा और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है दैट इज यू कॉस थीटा सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल ठीक है ये उसकी इनिशियल पोजीशन है एंड दिस इज फाइनल पोजीशन सीधा डायग्राम अगर मैं टोटल जर्नी को अकाउंट कर टोटल जर्नी को अकाउंट करता हूं तो इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन बोथ आर ऑन द ग्राउंड सो व्हाट इज द नेट नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो आप कहेंगे नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही हो गया क्योंकि अगर इनिशियल भी ग्राउंड पे था और वापस लौट जैसे तुमने स्टोन थ्रो किया अपर डायरेक्शन में और वापस लौट के ग्राउंड पे आ गया तो व्हाट इज द नेट नेट मतलब समेशन ऑफ ऑल द डिस्प्लेसमेंट तो आप कहेंगे जीरो बिकॉज पहले भी ग्राउंड पे था लौट के वापस ग्राउंड पे आ गया सेम थिंग इज गोइंग हियर दिस हियर सिंस इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन आर ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल Since initial and final positions are at the same horizontal level, hence, through just in total journey. Hence net vertical displacement is zero vertical not horizontal horizontal to travel kar liya usne net vertical displacement is zero theek hai so net vertical displacement zero kyun hai ye baat samajh mein aaya kya let's say total time is t Let's t is the total time. So हम again vertical motion use करेंगे. Vertical motion. आप देख रहे समय मैं vertical motion use कर रहा हूँ ज्यादातर. That is minus g. Using sign convention. क्या use करेंगे हाँ. S is equal to ut plus half a t square and this is ui initial velocity vertical ले रहे हैं तो net vertical displacement is zero net initial velocity vertical क्या होगा u sin theta total time is t plus half acceleration क्या है minus g t square इसको इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस प्लस हो जाएगा दैट इज यू साइन थीटा इनटू टी नाउ टी विल कैंसिल ऑन बोथ साइड दोनों साइड क्या होगा टी कैंसिल हो जाएगा और हमको टाइम का फॉर्मूला मिल जाएगा दैट इज टू यू साइन थीटा अपॉन जी दिस इज फाइनल फॉर्मूला देखो टाइम ऑफ एसेंट का डबल आ रहा है टाइम ऑफ एसेंट जो डिराइव किया था ना ऊपर उसका डबल आ रहा है टू लग जा रहा है एक्स्ट्रा और क्या क्योंकि जितना ऊपर जाने का टाइम होगा उतना ही नीचे आने का टाइम होगा इसलिए टू आ जाता है कॉपरन दिस वन टाइम ऑफ फ्लाइट एट होम यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल द डेरिवेशन के एक बार समझ के ना अपने से प्रैक्टिस कर लेना सारी डेरिवेशंस की और फॉर्मूलेज लर्न करना पड़ेगा इसके So please scroll down. Yes.
डन सर. Thank you.